महाराष्ट्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सूबे के थाने में एक पुलिस ने बुधवार को 60 वर्षीय व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 14 वर्षीय बच्ची के साथ ये आरोपी बुजुर्ग ने कई बार रेप किया है। मामले की जानकारी आरोपी की पत्नी को लगने पर उन्होंने एक सामाजिक संगठन को दी, जिन्होंने पुलिस में शिकायत करने में बच्ची की मदद की। गणेश पुलिस थाने के सहायक निरीक्षक सुनील जाधव ने पीड़िता की शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने इस साल मई में कई बार गांव में उसके साथ बलात्कार किया है। 14 वर्षीय किशोरी के पिता का निधन कुछ वर्ष पहले हो गया था और उसकी मां ने भी उसे छोड़ दिया था। वह आरोपी के घर पर बच्चे की देखभाल करती थी और उनके मवेशी को भी चराती थी। अधिकारी ने बताया कि किशोरी जब पास के ही जंगल में मवेशी चराने जाती थी, तब कई मौकों पर आरोपी ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को आरोपी की पत्नी को घटना के बारे में पता लगा और उन्होंने अपने पड़ोसी को इसकी जानकारी दी, जो पीड़िता को एक स्थानीय सामाजिक संगठन के पास ले गए। संगठन ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में पीड़िता की मदद की। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।